वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का पार्टनरशिप का डेथ चैप्टर. और डेथ चैप्टर का एक यूनिक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ. इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे एंड एट लास्ट एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बिल्कुल आपको परफेक्ट 100 के लिए प्रिपेयर कराएगा. तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, आराम से क्वेश्चन को समझते हैं. डेथ चैप्टर पूरा का पूरा कवर है इसके अंदर, तो पढ़ लेते हैं जरा. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी. 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है. हमेशा याद रखें जब भी चैप्टर स्टार्ट करें डेथ का, तो बैलेंस शीट की डेट देखें. बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च को. तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, और सीधा आप आ जाओ नीचे. नीचे लिखा है सी डाइड ऑन 30th June 2019. तो डेथ चैप्टर हमेशा इस तरह से स्टार्ट करते हैं. बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च, सी की डेथ हुई है 30th June. इट मींस पहले तो आप ये बताएंगे कितने मंथ्स बाद डेथ हुई है. तो 31 मार्च से 30 जून एक बात तो क्लियर हो गई, 3 मंथ्स बाद सी की क्या हो गई है डेथ. थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं फिर आएंगे मेन टॉपिक के ऊपर. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आप हमेशा डेथ चैप्टर में ये देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे लास्ट में चलते हैं. लास्ट में लिखा है प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट. इट मींस जिस पार्टनर की डेथ है सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाया है. ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है. तो सिर्फ हम किसके रिलेटेड बात करेंगे, सीज कैपिटल. और आगे चलते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं बट अगर पूरे क्वेश्चन को हमने फटाफट गो थ्रू करें तो इसमें रेशो नहीं पता. तो अगर रेशो नहीं पता, आप सब जानते हैं पार्टनरशिप के अंदर अगर रेशो नहीं पता तो हम क्या मानते हैं, 1:1:1. अब कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं. पहले मैं आपको बैलेंस शीट कवर कराऊंगा फिर एडजस्टमेंट्स देखेंगे. तो आप अब आराम से मेरे साथ जरा कॉन्सेप्ट देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लास्ट तक बने रहिए आप सब. सिर्फ बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के अंदर पहले आप ये देखिए, असेट साइड के अंदर, असेट साइड के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. और असेट साइड के अंदर जो दिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस. इट मींस लास्ट ईयर हमारे पास लॉस था 30,000 का. और देखते हैं बैलेंस शीट में और काम की बात. यहां पर सर एक जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1,50,000. तो दो बातें ऐसी थी जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. जरा इनके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको जल्दी से क्विकली बताता हूं. जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर. ये होता है जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट. बट अगर क्वेश्चन ये कह दे कि जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्लियरली क्वेश्चन में गिवन हो कि जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उस केस में हम जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में नहीं बांटते, रेदर हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस. और कौन सी रेशो का हमें जरूरत पड़ती है, हमें रेशो की जरूरत पड़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिया, फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. जनरल रिजर्व नॉर्मली पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड रेशो में. बट अगर क्वेश्चन कहता है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम जनरल रिजर्व की एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस. कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में. यहां दिया हुआ है लॉस, सेम लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में. बट अगर क्वेश्चन में दिया है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब है कौन सी एंट्री पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए. अब हम आते हैं पूरा डिटेल में, जरा एडजस्टमेंट्स को एक बार रीड कर लेते हैं आराम से. आइए जरा आराम से पढ़ते हैं. सबसे पहले आप मेरे साथ थर्ड पॉइंट पढ़िए. थर्ड पॉइंट में लिखा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या लिखा हुआ है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. इसका मतलब क्या एंट्री पास करेंगे आप, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. और आगे चलते हैं पॉइंट नंबर टू, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस. सी का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, क्या बेस माना है. इन्होंने बेस माना है लास्ट ईयर प्रॉफिट और लॉस, जो पिछले साल था. और आप ध्यान से देखें, लास्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर क्या है, लॉस. तो पिछले साल लॉस था तो हम इस साल भी क्या मान लेंगे, इस साल भी क्या होगा,
30,000 का लॉस, और उसमें आपको क्या देना है, सी का शेयर। सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, फिर आएंगे फटाफट सॉल्यूशन पर। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड मोटर बाइक। एक अनरिकॉर्डेड मोटर बाइक असेट है जिसकी वैल्यू कितनी है, 30,000। पहले यहीं पे रुक जाओ, आप इस बात को समझें। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, इट मींस हमारी फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर वो प्रॉफिट है तो क्या वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बटेगा, आंसर इज यस। क्या वो प्रॉफिट सी को भी मिलेगा, आंसर इज यस। तो 30,000 की असेट है और इस 30,000 में सी को भी प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज हमारे लिए क्या है, ये एक प्रॉफिट है। और फाइनली विच वॉज गिवन टू सीज एग्जीक्यूटर इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ये मोटरबाइक हमने उठा के सी के एग्जीक्यूटर को दे दी। तो इसमें दो बातें हैं, पहली बात अनरिकॉर्डेड असेट है इसलिए 30,000 का हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, दूसरी बात ये असेट कौन ले गया, सी का एग्जीक्यूटर। ऑल्दो यहां पे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है सी का एग्जीक्यूटर बनाना। यहां तक भी बात समझ आ गई। अब चलते हैं सर, इसमें ऐसा क्या है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कुछ यूनिक है। पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। ही हैड विड्रॉन 20,000 अप टू द डेट ऑफ डेथ। उसने ड्रॉइंग्स करी हैं सी ने 20,000, और इस ड्रॉइंग पर अगर आप ध्यान से देखें, इस ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12% पर एनम। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन। बहुत सारे बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया था, उन बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत भी करा। ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन। फंडामेंटल चैप्टर याद करो, फंडामेंटल में आपको सिखाया जाता है कि अगर ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन तो हम मिडल मान लेते हैं, 6/12 कर लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, ड्रॉइंग्स की अगर डेट नहीं गिवन तो आपको मिडल मानना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। लास्ट पॉइंट, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो कैपिटल कितनी थी सी की, 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, 10% पर एनम। मैंने ओवरऑल क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और अब बात आती है सॉल्यूशन की, और हम अब देखेंगे मेन दिक्कत क्या आ रही है। तो आइए जरा आपके साथ डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। सीज कैपिटल आपके सामने है। सबसे पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। सी का ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको क्वेश्चन पता हो, ओपनिंग बैलेंस था सी का 1 लाख। उसके बाद हम देते हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फटाफट देख लेते हैं, 1 लाख की कैपिटल थी, इंटरेस्ट रेट था 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको याद होगा 3 महीने काम करा था सी ने, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 और 3 महीने, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया आपका 2,500। और देखते हैं इसके अंदर, यहां पे ड्रॉइंग्स थी, ड्रॉइंग्स पार्टनर ने करी थी 20,000, और मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग्स की डेट नहीं गिवन। तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम निकालने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स थी 20,000, इंटरेस्ट का रेट था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था 12% पर एनम। कितने मंथ्स बाद डेथ हुई थी, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बाद डेथ हुई थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 12 से 12 कट गया और ये हो गया 200 × 3, आंसर आया 600। ये था वो पहला पॉइंट जो ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत किया था। मैंने आपको बताया डेट नहीं गिवन थी, अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना हो, डेट नहीं गिवन तो हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो थ्री मंथ्स की जगह हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। 3 मंथ्स का हाफ होता है 1.5, इट मींस आंसर कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा, 300। यहां तक बात समझ आ गई, मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया। कुछ चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर एक लॉस दे रखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ये लॉस था प्रीवियस ईयर का, टोटल लॉस था 30,000 और उसका शेयर था 1/3, तो आंसर आ गया 10,000। और इसी के बेस पर हमने ये मान लिया था करंट ईयर में भी क्या होगा, लॉस होगा, और उस लॉस को हम एज्यूम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट। तो दोनों में डिफरेंस है, ये प्रीवियस ईयर का लॉस था जो मैंने सी में बांट दिया, और करंट ईयर में आपने एज्यूम कर लिया था कि क्या होने वाला है लॉस, और टोटल लॉस था 30,000। उस 30,000 में थ्री मंथ्स उसने काम करा था और उसका शेयर था 1/3, तो 1/3 शेयर था उसका, और ये आ गया हमारा 3 मंथ्स, तो ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, 12 से ये आ गया 2500, 3 1 3 4 2500, ये आ गया हमारा P&L सस्पेंस अकाउंट जो इस बार का लॉस है। अब और देखते हैं, एक पॉइंट था हमारा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में इधर बढ़ जाता है, बट क्वेश्चन में लिखा था नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दोनों पार्टनर्स को गेन होगा, ए को भी गेन होगा। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और बी को भी गेन होगा, और दोनों को इक्वल इक्वल गेन होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जनरल रिजर्व था 1,50,000, 1,50,000 में उसका शेयर था 1/3, 50,000, तो 50,000 इसको मिलेगा 25,000, और ये हमने क्या बांट दिया, जनरल रिजर्व। एक और पॉइंट था अनरिकॉर्डेड मोटरबाइक, 30,000 की अनरिकॉर्डेड असेट है, तो 30,000 का हमारी फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, और वो भी प्रॉफिट पार्टनर्स बांट लेंगे। सी का शेयर हम यहां लिख देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड असेट का प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारे लिए 30,000, 30,000 में उसका शेयर था सी का 1/3, तो ये प्रॉफिट भी मिलेगा सी को। और वो बाइक कौन उठा के ले गया था, सी का एग्जीक्यूटर, तो इस अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहां जाएगा, सी के एग्जीक्यूटर के अंदर। आई थिंक इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हम जरा चलते हैं टोटल पर, जो भी डिफरेंस आएगा वो फाइनली किसको मिलेगा, सी के एग्जीक्यूटर को। जरा एक बार टोटल करें, इस टोटल कर लेते हैं जरा, 1,25,50,000, 60,000, ये आ रहा है 1,62,500, उसमें से इनको माइनस करेंगे, फाइनली बैलेंस क्या आएगा, सी इज एग्जीक्यूटर। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। सर ऐसा क्या था जो आपने इस क्वेश्चन की प्रॉपर वीडियो बना दी, और यूनिक ऐसा क्या था। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला आसान पॉइंट कुछ बच्चों को पता होगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, प्रॉफिट भी मिलेगा, अनरिकॉर्डेड असेट है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन थी, इसलिए हमने क्या मान लिया, 6/12 और आधा कर दिया, 3 मंथ्स था, 3 मंथ्स का आधा कर दिया, 1.5। अब आती है बात 100 नंबर वाली, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए बेटा, फंडामेंटल चैप्टर और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन तब दिया जाता है जब हमारे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट। और हमारे क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था, इन्होंने एज्यूम किया था कि इस साल भी हमें क्या होगा, लॉस होगा, और अगर आपने लॉस किया हुआ है तो एप्रोप्रिएशन के अंदर ना ही इंटरेस्ट दिया जाता है, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। तो सबसे जो यूनिक पॉइंट था, इन केस ऑफ लॉस क्या हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं, आंसर इज नो। तो ये नॉर्मली स्टूडेंट्स को स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम प्रेशर में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा इस क्वेश्चन के अंदर, अब जरा टोटल करते हैं, ये टोटल आ रहा है 1,60,000, 1,60,000 में से अगर हमने माइनस करा 30,000 तो बचा 130, और उसमें से 28, तो 1,27,200,
ये आया फाइनली सी का एग्जीक्यूटर का बैलेंस। इतना ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, बट क्योंकि मुझे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कराने हैं, मैं फटाफट आपको छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देता हूँ। जल्दी से समझना, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये मोटर बाइक गई कहाँ। तो मैं जल्दी से एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देता हूँ। सबसे पहले सर ये ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट 1,27,200। बाइक दे दी हमने, बाइक दे दी। जब भी हम एग्जीक्यूटर की पेमेंट करते हैं, या तो कोई कैश दें, चेक दें, या कोई असेट उठा के ले गए, तो उसका भी यहां पे ट्रीटमेंट आ जाएगा। मोटर बाइक अनरिकॉर्डेड असेट थी, कितने की थी, 30,000 की, वो पूरी की पूरी उठा के ले गया। हमारे पास प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट हमने उसको दिया है, मगर वो बाइक भी हमारी उठा के ले गया। फाइनली जो बैलेंस बचा बाइक देने के बाद, ये बैलेंस या तो आप कैश में पे करोगे, या चेक में पे करोगे, या आप एग्जीक्यूटर का क्या बनाओगे लोन, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैश या एग्जीक्यूटर का। सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लेना। स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बता दिया।